नमस्कार फ्रेंड्स, हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में मिरेकल होता है। उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में ठीक हो जाती है। आपके लाइफ में भी मिरेकल हो सकता है इफ यू विल यूज योर सबकॉन्शियस माइंड। चलिए आज मैं आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है, एक आदमी बहुत खुश है, दूसरा आदमी बहुत दुखी है, एक आदमी बहुत अमीर है और दूसरा आदमी बहुत गरीब है, एक आदमी के पास ब्यूटीफुल लग्जरियस होम है पर दूसरे स्लम्स में रहते हैं, एक महिला अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश है वहीं पर उसकी सिस्टर की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, एक आदमी अपने प्रोफेशन में काफी पॉपुलर है और दूसरा आदमी अपने प्रोफेशन में एवरेज है? इन सब का आंसर हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानकर पता लगा सकते हैं। हम सबके पास इनबिल्ट खजाना है। हम अपने लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं उसको यूज करके बन सकते हैं। ए मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ स्टील विल लिफ्ट अबाउट 12 टाइम्स इट्स ओन वेट, बट इफ यू डीमैग्नेटाइज द सेम स्टील इट विल नॉट इवन लिफ्ट अ फेदर। इस तरह से इस दुनिया में भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक मैग्नेटाइज आदमी जिसमें फुल ऑफ एनर्जी होता है, जो जीतने के लिए ही पैदा हुआ है, वहीं पर दूसरा आदमी डीमैग्नेटाइज है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है तब वो कहता है आई माइट फेल और आई माइट लूज ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बुक उन्हीं डीमैग्नेटाइज लोगों के लिए है जो अपनी सब कॉन्शियस माइंड को यूज करके अपनी लाइफ में मोर पावर, मोर वेल्थ, मोर हेल्थ, मोर जॉय एंड हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, मैटर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। जब भी आप कोई स्टील के टुकड़े को हीट करते हैं तब वो एक्सपेंड होता है, चाहे वो चाइना में हो, इंग्लैंड में हो या फिर इंडिया में हो। इसी तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब भी हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में किसी चीज का छाप छोड़ते हैं तब उसका आउटपुट हमारी लाइफ में होता है। सब कॉन्शियस माइंड जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको हम लॉ ऑफ बिलीफ कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले हमें खुद पे भरोसा और विश्वास होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ बिलीफ काम करेगी। वी ऑल हैव वन माइंड फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव माइंड जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और सेकंड इज सब्जेक्टिव माइंड जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसको लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। हम कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड कहते हैं। इट डील्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ऑल फाइव सेंसेस लाइक टच, फील, स्मेल, सी, हियर, हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज आप लॉस एंजलिस घूमने गए हो, घूमने के बाद आप कंक्लूड करते हैं कि ये सिटी बहुत ब्यूटीफुल है बेस्ड अपॉन योर ऑब्जर्वेशन जो आपके ऑब्जेक्टिव माइंड या कॉन्शियस माइंड से देखा है, लाइक पार्क, ग्रीनरीज, प्रिटी गार्डन्स, मैजेस्टिक बिल्डिंग्स एंड लवली होम्स। सबकॉन्शियस माइंड को हम सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। Our subconscious mind perceives by intuitions. It is a storehouse of emotions and memories. Subconscious mind अपने peak performance में होता है जब conscious mind सोता है। Subjective mind can leave your body, transfer, travel to distinct land and bring back information. Subjective mind के help से आप दूसरों के mind को read कर सकते हो। हमारे subconscious mind हमसे argue नहीं करता। अगर हम उसको wrong suggestion दें तो भी वो उसको accept करता है और वैसी ही परिस्थिति बनाता है। हम अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आई कांट, पर जब भी कोई नई टास्क आए तो हमें खुद से ये कहना चाहिए कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माय ओन सबकॉन्शियस माइंड। चलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। इमेजिन ए शिप जिसमें कैप्टन शिप को चलाता है। वो एज पर आउटसाइड वेदर कंडीशन इंस्ट्रक्शन देता है इंजन रूम में बैठे हुए आदमी को, फिर वो आदमी उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और सारे इंस्ट्रूमेंट और मशीन को कंट्रोल करता है। शिप आइसबर्ग से भी टकरा सकती है अगर कैप्टन ने रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दिया तो, क्योंकि जो आदमी इंजन रूम में होता है वो सिर्फ कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। इसी तरह से आपका कॉन्शियस माइंड आपके कैप्टन है और सबकॉन्शियस माइंड उसके ऑर्डर को लेता है। सो इफ यू रिपीटेडली से टू पीपल आई कांट अफोर्ड इट, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड इस कमांड को एक्सेप्ट करता है और सी टू इट दैट यू विल नॉट बी एबल टू परचेज व्हाट यू वांट। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंटीन्यूअस काम करते रहता है। इट इज एक्टिंग डे एंड नाइट वेदर यू आर act upon it or not. Our business is with conscious mind, not with subconscious mind. इसलिए हमें conscious mind को हमेशा positive thought देनी चाहिए. We all know that Newton's third law, to every action there is an equal and opposite reaction. The law of action and reaction is universal.
सो यहाँ पर हमारे थॉट एक एक्शन है और रिएक्शन इज द ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड टू आवर थॉट। इसलिए हमें अपने थॉट पर ध्यान रखनी चाहिए। ब्रेनियम जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे फ्रांस में, दो स्टोरी बताते हैं। एक आदमी उनके पास आया जिनके टंग में पैरालिसिस हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप जरूर ठीक हो जाएंगे। देन ही पुट ए पॉकेट थर्मोमीटर इनटू हिज माउथ। उस वक्त पेशेंट ने सोचा कि मैं ठीक हो जाऊंगा इस इंस्ट्रूमेंट के लगाते ही, और थोड़े देर के बाद वो जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसी वक्त उसने अपने टंग को एक बार फ्रीली मूव किया था। दूसरी स्टोरी है एक लड़की की। लड़की उसके पास आई, 4 वीक से बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने बोला कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके गले पे लगाने से आप बोल सकते हो। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ को उस लड़की के गले पे रखा और बोला कि अब आप बोलो। थोड़े देर के बाद उसके माउथ से हल्की हल्की आवाज आने लगी। सो देयर इज ओनली वन प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड दैट इज फेथ, एंड देयर इज ओनली वन पावर दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। जब भी हमें फीवर होता है तब हमें कौन ठीक करता है? आप कहेंगे कि डॉक्टर की मेडिसिन की वजह से। कोई भी डॉक्टर किसी भी घाव को ठीक नहीं करता, वो तो सिर्फ उनको रिपेयर करता है। हम तो ठीक होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर की वजह से। हम सबको पता है कि हमारी जितनी भी विशेज है वो सारी पूरी नहीं हो सकती। इसका रीजन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड टू मच इंस्ट्रक्शंस टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमेशा देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आपको कहीं जाना है और वहां पर जाने के लिए आपने टैक्सी बुलाई है। उसके बाद आपने ड्राइवर को डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए बहुत सारे रोड का इंफॉर्मेशन दे दिया। इससे क्या होगा? ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बताना चाहता हूं कि द बेस्ट टाइम जिससे आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में छाप छोड़ सकते हैं इज जस्ट prior to sleep. The highest degree of outcropping of the subconscious occurs just before going to sleep and just after waking up. आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें। इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोड इन नेक्स्ट संडे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।